So students, today our discussing topic will be dust of snow. Already we have discussed that yesterday also, but that was something only reading, not that much explanation. But today we will discuss about whole explanation of this chapter. So you can see there, this is a short poem outlined the familiar question. Okay, this is the short poem, and actually in this poem we can see that the name of the poem is Dust of Snow, and you can see there it is composed by Robert Frost. Okay, it is composed by Robert Frost. So, Dust of Snow by Robert Frost is a brief poem. Okay, it is a brief poem, but it conveys the poet's message coherently. ये एक छोटा सा पोएम तो है, लेकिन यहाँ पे पोएट जो कहते हैं, ठीक है ना, उसका जो मैसेज है उसको बहुत ही विस्तार पूर्वक क्या किया गया, इसमें समझाया गया है। पोएम छोटा है लेकिन उसका जो मैसेज है वो बड़ा है, ठीक है, उसका जो मैसेज है वो बड़ा है। द पोएम शोज हाउ ह्यूमन जजमेंट ऑन सर्टेन इश्यूज कैन बी मिसलीडिंग। कभी कभी ह्यूमन का जो जजमेंट है कुछ विशेष इश्यू के ऊपर होता है, वो क्या करता है, कैसे उनको मिसलीडिंग करता है ना, उसी के बारे में ये पोएम हमको क्या करता है, बताता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं इस पोएम में और क्या क्या, कि द पोएट डिपिक्स द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री एज रीजन फॉर हिज चेंज्ड मूड एंड इंक्रीज्ड ऑप्टिमिज्म। तो यहाँ पे ये जो ट्री है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री और क्राव है, इसी को ही अपना मूड का जो चेंज होने का और उसके अंदर एक आशावादी होने का जो कारण को वो बताता है, ये ट्री और ये साथ ही साथ यहाँ पर जो हम देख रहे हैं तो ट्री के साथ क्राव है, ये दोनों को। तो समरी अगर हम देखें तो समरी इस प्रकार है, समरी अगर देखना चाहे तो समरी इस प्रकार है, डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम। ये डस्ट ऑफ स्नो जो है एक सुंदर शॉर्ट पोएम है, और ये क्या करता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखे गए हैं। दिस पोएम टेल्स दैट इवन ए सिंपल मोमेंट हैज ए लार्ज इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। एक छोटा सा घटना भी क्या हो सकता है कि बहुत बड़े इम्पैक्ट को लेकर के आ सकता है, यानी एक छोटा सा घटना एक बहुत बड़ा बदलाव को लेकर के आ सकता है। द पोएट हैज मेंशनड क्रॉ द हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। यहाँ पे वो हेमलॉक ट्री को और क्रॉ, ये दोनों को यहाँ पे मेंशन करते हैं। क्रॉ सिग्निफाइज द डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड एंड हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। क्राव को यहाँ पे उसका जो डिप्रेशन वाली मूड है, उसका जो सोरोफुल वाली मूड है, उसी को वो बताते हैं, और हेमलॉक ट्री को एक पॉइजनस ट्री के रूप में यहाँ पे वो सिंबलाइज करते हैं। बोथ ऑफ दिस सिग्निफाइज दैट द पोएट वाज नॉट इन अ गुड मूड एंड सो ही डिस्क्राइब्स द डार्क डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट इन सिमिलर मूड। यहाँ पे पोएट जो है अपने जो डिप्रेसिव मूड के बारे में, उनकी जो बिटरनेस के बारे में है ना, उन सभी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। बिटरनेस के मतलब जो कड़वाहट होता है ना, मन में बहुत से क्या रहता है, जो दुख निराशा ये सब रहता है, उसी के प्रति उनके विचार को वो बताते हैं। लेकिन उसके बाद फिर दूसरी इंसिडेंट उनके सामने होता है
इन सच ए सैड डिप्रेसिव मूड द पोएट वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। ऐसे एक डिप्रेसिव मूड में पोएट कहां पर बैठे थे? हेमलॉक ट्री के अंडर बैठे थे। अक्रॉस सिटिंग ऑन द सेम ट्री शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट रिमेन ऑन द सर्फेस आफ्टर द स्नोफॉल ऑन द पॉइंट। तो जैसे कि वो बैठे हुए होते हैं, आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्या है, एक क्रॉ बैठा है जो कि क्या करता है और ब्रांचेस को शेकिंग करता है, ब्रांचेस को हिलाता है। और जैसे वो ब्रांचेस को हिलाता है तो ब्रांचेस को हिलाने के बाद फिर यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्नो उसके ऊपर गिरता है और उसके शरीर के ऊपर रहता है और जमीन के ऊपर भी रहता है। बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज दैट सॉरी द सिंपल एक्शन चेंज द पोएट्स मूड। ही रियलाइज दैट ही हैड जस्ट वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे रिपेंटिंग एंड बीइंग लॉस्ट इन सरोस। तो जैसे ये बर्फ गिरना, ये स्नो गिरने वाले जो इंसिडेंट है और गायब हो जाने वाले जो इंसिडेंट है, वो उनके लाइफ को क्या करता है, चेंज करता है, उनके लाइफ को क्या करता है, वो बदल देता है। साथ ही साथ तो वो मन में ये सोचते हैं कि जो दिन का, तो दो जो इंसिडेंट है, सबसे पहला इंसिडेंट उनका ये रहा कि वो बैठे हुए होते हैं और उनके ऊपर आकर के क्या होता है कि स्नो गिरता है, और ये इंसिडेंट जो है उनके जो विचारधारा को क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। लेकिन ये विचारधारा को परिवर्तन खाली करता है, विचारधारा परिवर्तन होने के बाद फिर कुछ वो ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं जो दिन का जो पूरा जो समय है, आधा दिन जो है, मैंने क्या कर दिया, उसे बेकार में ले लिया, उसको वेस्ट कर दिया, ठीक है। बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी। कुछ यूजफुल एक्टिविटी के तहत वो क्या करते हैं कि वो अपने समय को गुजारते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि अभी जितना समय उन्होंने नष्ट कर दिया है ना, जितना समय उन्होंने नष्ट कर दिया, और वो समय को नष्ट नहीं करेंगे बल्कि वो समय को यूटिलाइज के वे पे लेंगे। His sorrow was washed away by the light shower of snow dust. His spirit was revived and got ready to utilize the rest of the day constructively. फिर उसके बाद उनके अंदर एक जागृति पैदा होता है कि वो यही सोचते हैं कि अब मुझे दिन को ऐसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि मुझे उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ पोएम के बारे में और पोएट के बारे में। यहाँ पे हम जिस पोएट को देखते हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है ना, उनके जन्म 26, 1874 को होता है, जनवरी में, सॉरी मार्च 26, 1874 को होता है। फिर उसके बाद उनका जो समय खत्म हो जाता है, यानी डेथ होता है जनवरी 29, 1963 को। उसके साथ ये एक अमेरिकन पोएट थे, उनके वर्क जो इनिशियली पब्लिश्ड इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन अमेरिका, तो इनके वर्क जो है अमेरिका में पब्लिश करने से पहले ही इंग्लैंड में उनके कार्य जो है क्या हो गया था, पब्लिश हो गया था। तो यही है, वो खास करके रूरल लाइफ के ऊपर बहुत ही विशेष कहते हैं। तो भाई हम यहाँ कुछ देखते हैं, कुछ इमोशन को यहाँ पे देखते हैं हम, है ना, जो खुशी के मूड है ना, आनंद की मूड है। फिर कुछ मूड ऐसा है जो अचंबा होने का मूड को हम यहाँ पे देखते हैं, है ना, किसी को देखे जो गुस्सा होने वाली इमोशन है, ये सब चीज जो है सरप्राइज होने वाली जो मोशन है, इस मोशन का आप थोड़ा कैच करें, ये मोशन क्या हमें बताता है। और कुछ देर तक ध्यान के साथ तो बैठने वाले मूड को हम यहाँ देते हैं, ठीक है।
अब हेमलॉक ट्री के बारे में क्या बताया जाता है, जो पहले मैंने बताया था है ना, पीसन हेमलॉक ग्रोस थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट। ये जो हेमलॉक ट्री है इसके बारे में यदि कहा जाए तो ये पूरे यूनाइटेड स्टेट में और ये ग्रोइंग करता है, यानी ये बढ़ता है। इट इज वेरी टॉक्सिक एंड शिप कैटल स्वाइन हॉर्सेस एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स आर पॉइजन्ड बाय ईटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रीन और ड्राइड प्लांट। अगर किसी भी तरह से अगर कोई भी एनिमल्स इसको खा भी लेता है तो ये कैटल के लिए सही नहीं है और कैटल के लिए ये पॉइजन के कारण बनता है। इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली पॉइजनस टू ह्यूमन, और साथ ही साथ ये इंसान के लिए भी एक जहर साबित होता है। हेमलॉक ट्री के बारे में और कुछ बताया जाता है यहाँ पे, इट इज पॉइजनियस प्लांट्स फ्रॉम विथ फ्लावर्स। ये पॉइजनियस प्लांट भी है और उसी की क्या होता है कि फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है, इसमें फ्लावर्स भी होते हैं। इट इज द सिंबल ऑफ सोरो, ये दुख का एक प्रतीक भी माना जाता है इसी को। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्राउ के बारे में। अब अमेरिकन लोग तो व्हाइट होते हैं लेकिन काउ ब्लैक, क्राउ ब्लैक होता है, इसलिए क्राउ को अगली, ब्लैक और सिंबल ऑफ बैड वुमेन है ना, ये सिंबल ऑफ बैड वुमेन के रूप में इसको लिया जाता है। फिर ये विंटर सीजन था उस समय, जिस समय और पॉइंट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे है ना, दैट वाज द विंटर सीजन एंड यू कैन सी द फुल ऑफ पिक्चर है ना। सो पीपुल स्टे अवे फ्रॉम क्राउन, लोग जो है और इस प्रकार सर्दियों के समय पर रहते हैं, और ऐसे समय पर जो हम देखते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे किस तरह से बर्फ की चादर बिछी हुई है पेड़ के ऊपर, और यहाँ पे हम देखते हैं कैसे एक क्राउ जो है वो क्या कर रही है, यहाँ पर बैठी हुई है। ठीक है, आप पोएम को आपको पढ़ देता हूँ। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वे ए क्राउ सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रिवेट। तो वो कहते हैं जैसे स्टांजा नंबर वन हमें और क्या कहता है, हम इसको देखते हैं। स्टांजा नंबर वन एंड टू दोनों है। तो नंबर वन स्टांजा वन में द वे ए क्राउ सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। स्टांजा नंबर वन में देखते हैं कि ये जो क्राउ है वो क्या करती है कि ब्रांचेस के ऊपर बैठी हुई होती है और वो ब्रांच को हिला देती है, जिसके चलते डस्ट ऑफ स्नो जाकर के पॉइंट के ऊपर गिरता है। और स्टैंड टू में क्या होता है, देखो पॉइंट यहाँ पे कैसे बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री के नीचे है ना, और सेकंड पॉइंट सॉरी सेकंड स्टैंजा में हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हार्ट वेट है ना, मेरा जीवन का कुछ पार्ट जो है, समय जो है ना, ये इंसिडेंट के कारण बच गया। मैं जो पूरे दिन यहाँ पे निराश होकर के बैठा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो लेसन के बारे में कुछ विशेष जानकारी ले, ऑलरेडी समरी वगैरह बता दिया था, फिर भी थोड़ी बहुत बातें और इसी के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। द पोएम इज सेट ऑन द विंटर डे, ये विंटर डे की घटना है ना, ये पॉइंट विंटर डे के बारे में बताते हैं, विंटर डे में होने वाली घटना है। द स्नो इज फॉलिंग हैवीली, और उस समय स्नो बहुत ही भयानक रूप से और गिर रहा होता है। द पॉइंट इज डिस्प्रेस्ड एंड हैज लॉस्ट इज ऑल होप, पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल निराशा हो जाते हैं, सब आशा को वो क्या कर देते हैं, खो देते हैं। ही इज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, जो आप जानते हो वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे। द क्रॉस द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम दिस चेंज हिज मूड इन टू हैप्पी मूड। ओके दैट्स वेरी सिंपल,
ऑलरेडी इन द एक्सप्लेनेशन और समरी आई एक्सप्लेन यू। तो पोएम हमें क्या मैसेज देता है, ये चीज हमको ज्यादा जानना जरूरी है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी। ये पूरी संसार जो है बिल्कुल स्ट्रेस में यानी निराशा में और सभी प्रकार का विपरीतता से भरा पड़ा है। वी कैनॉट कीप अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, समस्या से हम कभी दूर नहीं भाग सकते, समस्या किसी न किसी रूप से हमारे जीवन में होगी। और एटीट्यूड टुवर्ड द प्रॉब्लम इज पॉजिटिव, इट कैन बी सॉल्व। यदि हमारा जो एटीट्यूड है, ठीक है, हमारा जो एटीट्यूड है प्रॉब्लम के प्रति पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली वो समस्या का समाधान होगा। ए स्मॉल इंसिडेंट चेंज्ड पॉइंट्स ग्लोमी मूड एंड मेड हिम चीयरफुल। एक छोटा सा घटना जो है पॉइंट के ग्लोमी मूड को परिवर्तन कर देता है और उनको क्या करता है, चीयरफुल बना देता है। द पॉइंट टीच अस टू फाइंड हैप्पीनेस फ्रॉम स्मॉल थिंग एंड टू टू टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली। तो यहाँ पे पॉइंट क्या करता है कि एक छोटा सा घटना के द्वारा है ना वो खुशी हो जाते हैं और उनका जितने भी नेगेटिव बात थी वो सभी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब पॉइंटिक डिवाइस में आप देखते हैं तो राइम स्कीम होता है। अब राइम स्कीम, द पैटर्न ऑफ राइम स्कीम इज अ स्टैंजा और थ्रो द पोएम। द राइम स्कीम इज डस्ट ऑफ स्नो इज। देखिए आप बड़े ध्यान से इसको समझने के लिए कोशिश करें। द वे ए क्रॉ, ए हो गया, सुक डाउन ऑन मी, बी हो गया, द डस्ट ऑफ स्नो ए हो गया, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो ए हो गया, जैसे कि क्रॉ और स्नो ये जो साउंड दोनों मिलते जुलते हैं तो ये ए हो गए। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, मी और ट्री ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते इसलिए दोनों बी हो गया। उसका मतलब राइमिंग स्कीम में फर्स्ट स्टैंजा में हमने जो देखा है और पूरे जो स्टैंजा में हम देख रहे हैं कि ए बी और ए बी है। फिर उसके बाद इसमें एलिटरेशन होता है। एलिटरेशन क्या चीज है, एलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम कंसोनेंट साउंड इन द नियर बाय वर्ड। जो कंसोनेंट के नियर बाय साउंड होता है वो बार बार जो रिपीटेशन होता है उसी को एलिटरेशन कहा जाता है। Alliteration spotted in the dust of snow has given me a heart and saved some part. Alliterative word यहाँ पे देखा गया has heart saved some, इन सभी को alliterative word कहा जाता है। तो आज का पॉइंट यही पे पूरा होता है। थैंक यू, माय गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं हम कोई नए वीडियो के साथ।